दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं एक और पाकिस्तानी एड पे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी पेप्सी क्रिकेट एंथम पे रिएक्ट करो। ये मैंने जब YouTube से इस वीडियो को पुल किया तो मैंने देखा कि वसीम अकरम का थंबनेल लगा हुआ था, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ वसीम अकरम को इस वीडियो में देखने के लिए, इस एड में देखने के लिए उनका क्या खास रोल है। तो 5 मिनट 40 सेकंड का ये एड है, तो काफी लंबा है एड के अनुसार। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस एंथम में, इस क्रिकेट एंथम में जो आप लोग इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। हियर वी गो। कैसी मौज में है मेरा सुकून, रोके सभी पर मैं ना रुकूं, आजाद हूँ। अरे जूते की हालत देखो यार कैसी है। दिल चाहेगा मैं वही करूं, ये हमेशा होता है, सभी के साथ ऐसा हुआ हुआ है जो क्रिकेट खेलते हैं। यार जीले सोचता क्यों है क्या होगा कल, जीले हर पल। बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है, कुछ भी बोलो। हिम्मत नहीं आ रहा इसमें। ये गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार जीले सोचता क्यों है क्या होगा कल, जीले हर पल पल पल। पहुंच गया ट्रायल देने। Thank you.
अच्छे यार, बहुत ही अच्छे यार। ये एड देखने के बाद ना हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ गई, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यार एड के शुरू में दिखाया गया है कि इसके पापा जो हैं वो लकड़ी का काम करते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे की फैमिली इनकम कितनी होगी। पहनने के लिए जूते तक नहीं है, फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता, डांट सुनने के बाद भी अपने सपनों को ये मरने नहीं देता है। सचिन तेंदुलकर का एक फेमस कोच है, शायद आपने सुना होगा, डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। और ये कोट इस एड पे बिल्कुल सटीक बैठता है। आज से करीब 8 या 9 साल पहले एक मूवी आई थी, 3 Idiots, आपने जरूर देखी होगी यार, उसकी याद ताजा हो गई। जब पूरा 3 घंटे का जो मूवी था तो वो 5 मिनट में देखने को मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आके एक सेफ कैरियर चूज कर लेते हैं, लेकिन वो बनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता। किसी को जर्नलिस्ट बनना है वो इंजीनियरिंग कर लेता है, किसी को क्रिकेटर बनना है वो भी इंजीनियरिंग कर लेता है। तो आजकल हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने सपनों को मार के आगे आप नहीं बढ़ सकते, बढ़ेंगे भी तो एक लिमिट तक, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं अगर वो बन गए तो अगर आपकी इनकम कम भी है फिर भी आप बहुत खुश होंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अपने पेरेंट्स के दबाव में आके टिकट कलेक्टर बन जाते हैं इंडियन रेलवेज में। 3 साल तक वहाँ वो जॉब करते हैं, अपने सपनों को मार मार के अपने पिता के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए वो वहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन 3 साल बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपना ड्रीम चेंज करना है। उन्होंने टीसी की मतलब कि टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी और फिर वो 1 साल इतनी मेहनत की, उन्होंने क्रिकेट पे इतना ध्यान दिया कि आज वो कहाँ है, किस मुकाम पे है, किस लेवल पे है, शायद बताने की जरूरत नहीं है मुझे। यार लास्ट में आज मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एम करते हैं कम से कम 500 लाइक्स की। अगर वो लाल वाला बटन अभी भी दिख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या इस्लामाबाद रहिए, अमन की आशा।